यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या है समाजवादी पार्टी का रूप? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताई ये वजह। क्या अखिलेश यादव होंगे विपक्ष का चेहरा? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। समान नागरिक संहिता यानी UCC के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार 10 जुलाई को कहा सपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 NDA का सफाया PDA करेगा। गौरतलब है कि 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद गठबंधन के लिए PDA शब्द उभर कर सामने आया था। CPI ने कहा था कि PDA का मतलब पेट्रियॉट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन है, जबकि उससे पहले अखिलेश यादव ने एक बार PDA के लिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन का नारा दिया था। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP का सफाया हो जाएगा। क्या अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को विपक्ष का चेहरा मानते हैं? यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमारे पास कई चेहरे हैं, समय जब आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे। बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही हैं। विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार महंगाई समेत अन्य जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए UCC मुद्दे को लेकर आई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी शनिवार 8 जुलाई को UCC का विरोध किया था। मायावती ने कहा था कि BJP और उसकी सरकार को UCC जैसे गैर जरूरी मुद्दों पर ऊर्जा और संसाधन खर्च करने की जगह महंगाई को काबू करने और गरीबी दूर करने के लिए काम करना चाहिए। 22 विधि आयोग ने पिछले महीने 14 जून को सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों समेत हितधारकों से सुझाव मांगकर समान नागरिक संहिता को लेकर एक नई परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग ने विभिन्न पक्षकारों और हितधारकों को इस मुद्दे पर आपत्तियां दाखिल करने के लिए 14 जुलाई तक का वक्त दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।